Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन अजय। कैप्टन अजय जी, जैसे हम देख रहे हैं आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे, क्या हुआ आपके साथ? मैं, मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ झूठा केस और बार बार झूठी कंप्लेनें दायर कर रही है। कैसे केस दायर किए? 498 का दहेज का केस दायर किया उसने झूठा, जबकि मैंने उल्टा उसको दिए हैं पैसे, उसने मुझे नहीं दिए। मैंने जैसे अकाउंट के हिसाब से 22,75,000 रुपये मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, 15 लाख का इंश्योरेंस करवाया, और इसके अलावा जो पैसा दिया मैं अकाउंटिंग में नहीं लूँगा क्योंकि उसका कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो आपने उनके अकाउंट में इतने पैसे क्यों डाले? तो वो मेरी वाइफ थी तब, मैंने उसको दिए थे तब, ये शादी से पहले से लेके और जुलाई 2014 तक की बात बता रहा हूँ मैंने डाले। किस काम के लिए आपने उनको पैसे दिए? मैं शिप पे रहता था तो घर के जैसे कोई काम है उसको करना है, उसकी पर्सनल शॉपिंग है उसके लिए वो देता था पैसे। हाँ, तो जैसे वो सैलरी आपकी है? अभी करंटली मैं चेन्नई में कैप्टन हूँ, तो हमें USD में मिलता है तो 10,000 के करीब है। तो जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी मिसिज है वो आपसे दुर्व्यवहार कर रही एक किस्म से। हाँ। कोर्ट में केस, थाने में केस। हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप टाइम पे उनको पैसे भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। उसकी शादी ज़बरदस्ती मेरे से की गई थी, वो किसी और लड़के से प्यार करती थी शादी से पहले, वो इंटरकास्ट था, ठीक है। तो जब उसके पेरेंट्स से, मैंने मेरी वाइफ को शादी से पहले देखा नहीं था, मैं शिप से आया तो अरेंज मैरिज थी हमारी, बाय फोर्सफुली मेरे से शादी कर दी। तो शादी के जस्ट बाद मैंने उसकी फ़ोटो देखी, 3 दिन बाद ही किसी लड़के के साथ फेसबुक पे किसी ने डाली थी, उसकी कंप्लेन भी उसने साइबर सेल में की हुई थी वो फ़ोटो हटवाने के लिए। तो उसको मैं उस बात पे मैं उसको बोला, वो पास था, उसको छोड़ दो, अभी मूव ऑन, अभी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। उसने फिर मेरे को एग्री किया इस बात पर, उसने सॉरी भी बोला, उसके पेरेंट्स ने भी सॉरी बोला मेरे को कि आगे से गलती नहीं होगी। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, शादी के कितने दिन बाद हुआ आपके साथ ऐसा? पहली जो गलती थी उसकी मैंने 3 दिन बाद ही पता लग गई थी, उसको मैंने माफ़ करके मूव ऑन करे, पर आफ्टर 2.5 साल बाद मैंने उसके और फोटो देखे दूसरे लड़के के साथ, किसी और के साथ, जिसमें वो फोटो आपत्तिजनक कंडीशन में है, आप देख सकते हैं फोटो भी यहाँ पे हैं रखे हुए हैं। जब मैंने उस फोटो के बारे में पूछा तो उसने बोला कि, तब उसने मुझे सारी स्टोरी बताई कि मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। उसके बाद 3 बार पंचायत हुई, म्यूचुअल का केस फाइल किया उसकी सिटी में, और फाइल करने के बाद सारे पैसे वैसे सब कुछ खत्म हो गया था। सेकेंड मोशन पर जब केस फाइल आया म्यूचुअल का, तो उसने और पैसे मांगे, जब मैंने देने से मना कर दिया तो उसने केस वापस भी ड्रॉ कर लिया और बोली मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी और मैं लड़की हूँ तुम्हें तंग करती रहूँगी जब तक पैसे नहीं दोगे। तो उसके बाद उसने कंटिन्यूसली अलग अलग थानों में मेरी और मेरी फैमिली के खिलाफ कंप्लेन करती गई और मुझे तंग करती गई। तो कितने साल से आप इस चीज़ में उलझे हुए? जुलाई 2014 से मैं इसमें उलझा हूँ। वो मई 2015 में कैनेडा चली गई थी और कोर्ट के ऑर्डर पे नवंबर 2015 में वापस आई। तो सर, जब आपको पता चला था कि जो आपकी मिसिज है वो बता रही है आपको कि भाई ज़बरदस्ती आपके साथ शादी हुई, तो राजीनामे में शायद सलामत समय में ये कुछ हो सकता था समाधान, तो ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा? पंचायत में हो गया था फैसला सब कुछ, उसी के बेसिस पे हमने फिर म्यूचुअल केस फाइल किया सेक्शन 13B का, वो भी हो गया था। पर सेकंड मोशन पे उसने और पैसों की डिमांड की जो मैंने नहीं दिए, तो उसने ये सब नाटक स्टार्ट किया। तो दर्ज करा रखे उन्होंने आपके नाम? अभी दिल्ली कैंट थाना में FIR दर्ज कराई, उससे पहले जिन काउ सेल में कराई थी जहाँ के वो बिलोंग करती है, जो इशार भी उसने पंचकुला DGP को भी कंप्लेन की थी, उस जब वो झूठी कंप्लेन की, जब उन्हें एविडेंस दिखाया उसने कंप्लेन वापस ले ली। उस हर एक कंप्लेंस में 3 या 4 बार हमने राउंड मारा है पुलिस चौकी का, वो आती नहीं थी, पुलिस हमें बुलाती थी, बोलते वो लड़की हम उसको कभी भी नहीं बुला सकते, जब उसके पास टाइम होगा तभी आएगी वो, और मेरे फादर सीनियर सिटीजन है, वो बार बार जाके आ रहे थे उसमें, तो उसमें पुलिस ने हमें बहुत टॉर्चर किया। उस पर हमने फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CM, DGP, IPS सबको रिक्वेस्ट डाली कि इसका समाधान किया जाए, लड़की हमें बार बार तंग कर रही है। बट वो घूम फिर के कंप्लेन वापस IO के पास आ गई लोकल थाने में, लोकल थाने वालों ने ये रिपोर्ट दिया तुम किसी को भी कंप्लेन करो, फैसला तो हमें ही करना है, प्रधानमंत्री थोड़ी ना तुम्हारी सुनने आएगा। तो उन्होंने उस पर कुछ से कार्रवाई नहीं की। जब उसका कार्रवाई का हमने मांगा कि इसका क्या कार्रवाई की, उसकी कॉपी दो हमें, उन्होंने देने से मना कर दिया, और जब RTI लगाई और उसकी कॉपी मांगी तो उन्होंने एक फेक RTI किसी और की रिपोर्ट दे दी हमें। हमने जब बोला कि ये रिपोर्ट तो हमारी नहीं है, तो बोला लेनी है तो ले लो नहीं तो अंदर कर देंगे। इसके बाद हमने फिर उसके खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ केस फाइल किया इशार कोर्ट में। यानी कि जो प्रशासन है वो भी आपको धमकी दे रहा? हाँ, पुलिस वाले भी धमकी दे रहे हैं। उसके बाद अभी कभी कोई डिमांड की आपसे? IO ने इनडायरेक्ट वे से बोला था कि मेरे 3 बार IO हमारे घर पे अरेस्ट करने आई, तो उसने बोला कि तुम्हें आने जाने में मेरे पैसे लग रहे हैं, 10,000 से ऊपर लग चुके हैं, अब तुम सोच लो क्या करना। डायरेक्टली उसने कुछ नहीं बोला, पर उसने इनडायरेक्टली ये बात बोली थी। तो हम बोले इसमें तुम्हारे मैम नहीं दे सकते कुछ भी, पुलिस का काम है, मैं एविडेंस दे सकता हूँ, तुम ये ले लो। वो जींद अवधपुर की है। हाँ, तो उसके फादर यहाँ जॉब करते हैं, इसलिए वहाँ से उसने केस ट्रांसफ़र यहाँ करवा लिया अभी।
पहले 3 साल केस जीन चला, 4 साल, और पिछले 1 साल से उसने दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया केस। तो आप कहाँ पे रहते हो? मैं हिसार रहता हूँ हरियाणा में। आपको यहाँ आना पड़ता है? अब मुझे यहाँ आना पड़ता भी। तो आपने नहीं कोई एप्लीकेशन ऐसी लगाई कि भाई हमें भी यहाँ पे आना पड़ता है हरियाणा से दिल्ली में कोर्ट केस के लिए? अभी जो मैंने डिवोर्स का केस डाला था 1 मई 2015 में, उसका जब जजमेंट पे आया तो उसने स्टे ले लिया, उसने जैसे रीमैरिज करके वो कनाडा चली गई, इसका एफिडेविट मैंने कोर्ट में दिया, उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया सिंस 25 जनवरी 2016 से। तो फिर मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट करके एक नोटिस करवाया कैनेडियन एम्बेसी और इंडियन इमिग्रेशन को कि फाइंड आउट करो किस वीज़ा के बेस पर क्या करने गई है कैनेडा, क्योंकि मुझे पता लगा था कि शादी करके गई है वो, तो उस पर उसने स्टे ले लिया। अभी तक को नोटिस का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि स्टे आ गया। यानी कि दूसरी शादी भी कर ली? हाँ, दूसरी शादी और सितंबर 2016 में बच्चा भी होगा उसको। अच्छा, हाँ, तो बिना डिवोर्स के ही? बिना डिवोर्स के ही। आपसे डिवोर्स लिया नहीं और दूसरी शादी करके बच्चे भी हो गए? आपका भी कोई बच्चा था पहले? नहीं, उसने 2 बार मार दिया था बच्चों, एक पहला उसने जून 2012 में और सेकंड जब वो गई थी दैट टाइम जुलाई 2014 में। तो कैसे मारा? उसने नेट पे सर्च किया 3 घंटे तक हाउ टू अबॉर्ट नेचुरल वे 2.5 मंथ्स बेबी, दैट टाइम शी वाज 2.5 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो सेकंड टाइम जब वो जुलाई 2014 में फोटो देखे दैट टाइम शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, तो उसके घर गई। अभी आपके पास वे सबूत है जिससे शादी की, दूसरी जगह जो शादी की उसका कोई सबूत है? उसका भी है कि जो कनाडा, हाँ, वो कनाडा गया फैमिली वीज़ा के बेस पे गया, उसके फादर के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो फैमिली वीज़ा खाली फादर लगवा, या तो फादर लगवा सकते हैं हस्बैंड लगवा सकता है। तो फिर मेरे किसी नॉन ने उसको उसके हस्बैंड और बच्चे के साथ देखा था 3 बारी ये, पर उसके फ्रेंड सर्कल से मुझे पता लगा कि उसने रीमैरिज कर लिया। फिर मैंने उसकी इमिग्रेशन, उसने दूसरी जगह, हाँ, उसकी फ्लाइट टिकट और पैसेंजर लिस्ट मेरे पास है, वो कनाडा गई है। जब मैंने पुलिस को ये दी तो पुलिस ने बोला इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने एफिडेविट दिया और उससे एफिडेविट मांगा तो उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया उस एफिडेविट का अभी तक भी। यानी कि जो पुलिस है वो अभी गुमराह कर रही है? हाँ, को हमारी सुनाई नहीं कर रही है पुलिस भी, उल्टा हमें धमकी दे रही है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु माँ कंचन गिरी है, मैं महाकाल मानव सेवा की प्रेसिडेंट हूँ और मेरा NGO चलता है, जैसे कि महिलाओं के लिए भी मैं वर्क करती हूँ और पुरुषों के लिए भी करती हूँ। जैसे हम देख रहे जो कैप्टन अजय जी है आपके पास ही बैठे हुए और इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही मियाँ बीवी की और आप यहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं, तो क्या हुआ है इनके साथ? देखिए ऐसा हुआ, ये 5 मार्च को आए, ये बहुत बुरी तरह से हताश हो गए थे पुलिस की कार्रवाई से। तो जब ये मेरे पास आए बोले क्या अब मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने कहा सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है, जिसने आपको इतना प्रताड़ित किया हम उसे सबक सिखाएंगे। क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले हमारी रूल रेगुलेशन होती है कि संस्था को एक लेटर दीजिए, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ आप पूरा एविडेंस मुझे ला के दीजिए। आप देख रहे होंगे मेरे सामने फाइल पड़ी हुई है, मैंने पूरी फाइल मंगाया, मैं अपने लीगल एडवाइजर से पूरी फाइल पढ़वाई और सारे एविडेंस जो हैं इसके पक्ष में है, पूरा एविडेंस, पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना अपने वाइफ के इसमें अकाउंट में, तो 10 लाख का ये कैसे मांग सकता है डावरी, 10 लाख का डिमांड कैसे रख सकता है, जो खुद ही शादी से पहले 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, शादी के बाद 22 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, वो लड़का कैसे मांग सकता है कि 10 लाख का मुझे गाड़ी दो। तो जब अभी क्या लग रहा है इनके केस में, जैसे आप कह रहे हैं इनके तरफ कई सारा है मगर फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में कमी है। मैं खुद गई हूँ 2 दिन थाने गई हूँ इनके साथ, और जब थाने में गई IO से बात कर रही हूँ कि पिछले IO जो अनिता कुमारी है उसने क्या किया, उसने इसको साफ बोला कि मैं तुम्हारे एक भी एविडेंस नहीं देखूंगी, तुम्हारे प्रति कंप्लेन है तो मैं तुम्हें ही अरेस्ट करूंगी। तो ये कानून इसी को कहते हैं क्या दूसरे, अगर लड़की ने कंप्लेन कर दिया तो लड़के का, यानी कि जो लड़की है जो इनकी मिसिज है उन्होंने पैसे तो नहीं खिला रखे थाने में? मुझे लगता है कुछ ऐसा, तभी वो नहीं मतलब ये कर पा रहे हैं, इसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो इतना एविडेंस होने के बाद मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को क्यों नहीं सौंप रही है। 3 साल से फाइल वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। जब मैं IO के पास गई तो मैंने कहा ये 3 साल से फाइल पड़ा हुआ है, जब कोर्ट का ऑर्डर है कि आप रिपोर्ट बना के दीजिए, तो रिपोर्ट बना के क्यों नहीं दिया? बोला कि वो IO को टाइम नहीं होगा या कमी रह गई होगी उसके कार्रवाई में, इसलिए। मैंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं फॉल्ट रही है, तभी ये IO इसको रिपोर्ट बना के नहीं दिया है, तो ये आपकी फॉल्ट है। बोलता है हाँ फॉल्ट रहा है क्योंकि अभी तक रिपोर्ट बना के दे देना चाहिए। तो अभी क्या बोला उन्होंने?
आईयू ने बोला अभी मुझे टाइम लगेगा, अपनी पूरी फाइल इतनी मोटी दिखा दी, देखिए कितना काम रहता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा 3 साल बच्चा जो सफ़र किया ज़िंदगी का, कि वो 3 साल आप लौटा देंगे, इनका जॉब चला गया, मेंटली फिजिकली फाइनेंशली सारा टॉर्चर हो रहा है बेगुना बेवजह, तो क्या आप इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं? तो बोले अभी मुझे 1.5-2 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं फाइल देखूंगी। यानी कि फिर बहका दिया जाता है? फिर बहका दिया जाता है। वो तो बयान बदलने के लिए फ़ोन कर रही थी कि बयान बदलो तुम। क्यों बयान बदले? ताकि वो कोर्ट में ये सबूत दे सके कि ये बयान लड़का बार बार बदलता है, इसकी मानसिक ठीक नहीं है। तो आप सोचिए पुलिस क्या काम कर रही है, जब एक बार बयान ले ली, क्या 4 बार बयान बदलने के लिए खुद पुलिस ही बता रही है कि आप बयान बदलो? ये कौन सा तरीका हो गया? जब बयान दे चुका है तो ये अपने बयान पे अटल रहेगा, क्यों बयान बदलना? तो पढ़ा लिखा क्या लग रहा है, जैसे अब आप इनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए हम लोग तब तक साथ देंगे इनका जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे मुझे उस थाने का घेराव करना पड़े, चाहे हमें पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करना पड़े, चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े, ये लड़ाई अब जारी रहेगी। क्योंकि उस लड़की ने बिना डाइवोर्स दिए शादी कर ली है और ये लड़का बेफिजूल में दर दर भटक रहा है। तो उसे ये धोलाकुआं कैंट थाना है, पहले धोलाकुआं थाना पड़ता था, अभी कैंट कर दिया है, उस थाने का ये केस है। आईओ लेडीज है, अभी कैलाश कैंट, अभी 1 महीने से कैलाश कैंट आईओ है। जो अनीता कुमारी थी उसने काफी इस केस में गड़बड़ी की है, जो पहले थी। चालान पेश करने की कम से कम 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं और 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक चालान नहीं उन लोगों ने सबमिट किया। तो ये मैं पुलिस अधिकारी से जानना चाहूंगी कि ये तीन तो कोर्ट की अवमानना हुई है, अवहेलना हुआ, कोर्ट का संविधान का अवहेलना हो गया, पुलिस अधिकारी कर क्या रही है? मतलब ये तो आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब संविधान में लिखा है कि 30 दिन में आप अपना चालान काट के कोर्ट में दीजिए, तो वो क्यों नहीं किया उसने? लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।